जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हाँ थोड़ा अपना हूँ शाहिद शबीर बाबा जी। और अज असी बहुत ही एक तारीख दे ऐसे पन्ने दे उत्ते पहुँचे हैं, शायद के घट संगत जानदियाँ होणगियां प्री पार्टीशन, वो लोग बचे भी नहीं होने जिहड़े कि इन्हां स्थानां दे उत्ते आ के बैठते होणगे, अपनियां मुरादां मंतां पूरियां करदे होणगे। जी हाँ जी जी, मैं नाथ पंथियां दे डेरे की गल कर रहा हाँ जी। यह जिहड़ा पिछे डेरा है, ये नाथ पंथी चेन जिहड़ी है भैरव नाथ जी, बिल्कुल जी गुरु भैरव नाथ का अस्थान है। और यह सारा जंगल जिहड़ा तुहानू नज़र आ रहा है, यह देखो तुसीं किन्ना थिक फॉरैसट है, जिहदे विच किक्कर लगे हुए हैं, टालियां लगिया हुई हैं, और सफेदे के दरखत लगे हुए हैं, यूकलिप्टस के बहुत उच्चे उच्चे दरखत लगे हुए हैं। इनू भैरव नाथ का जंगल कहा जाता है। भैरव नाथ का जंगल जीरो बाउंड्री के उत्ते है बिल्कुल जी। इस वेल मैं पाकिस्तान की जीरो बाउंड्री तो टूवर्ड जम्मू वाले पासे हाँ। मेरे नाल पिंड है नग्याल, नग्याल तो अगे पिंड है दरमान, दरमान के नाल पिंड है सुनियारी, सुनियारी के नाल पिंड है जी ब्राह्मण पिंड है, नाल ही अगे ठाकर द्वारा। यह पांच पिंड बिल्कुल नज़दीक नज़दीक ये पिंड ने। और इन्हां दी एक तारीख है कि इत्थे जिहड़ी कम्यूनिटी है ज़्यादा वो तुसीं पिंड ब्राह्मण तो ही समझ सकते हो। फिर उस तो बाद जिस तरह कि मैं तुहानूं दस रहा कि नाथपंथियां दा, कि नाथपंथियां दा जिहड़ा सब तो वड्डा स्थान पाकिस्तान दे विच है या बल्कि पूरी दुनिया दे विच है, उहनूं टिल्ला जोगियां कहा जाता है। डिस्ट्रिक्ट जेलम नॉर्थ वैसट पंजाब दे विच तुसीं दीना जिहड़ा अटक तुहाडा रोहतास फोर्ट है, रोहतास फोर्ट दे उत्ते पहाड़ों के 3200 फुट की हाइट के उत्ते जिथे बाबा गुरु नानक साहब जाके बैठे सी, और नाथपंथियों के नाल उन्होंने सिद्ध गोष्ठी की, या तुसी कह सकते हो उत्थे उन्होंने गोष्ठी जिहड़ी है बाल गुंदाई जी दे नाल होई, टिल्ला बाल गुंदाई दे उत्ते। तो बाबा जी उस जगह के उत्ते पहुँचे। फिर इस तरह ही उस स्थान का जोड़ा है जोग पंथियों के नाल ऐसा है, जिहड़े लोग पाकिस्तान रहिंदे ने शायद उन्होंने जोगी पंथ के मुतलक इन्ना ज़्यादा ना पता होए, कन फट्टियां के बारे इन्ना ज़्यादा ना पता होए, लेकिन अगर तुसी हीर रांझे की दास्तान सुनते हो, अगर तुसी हीर रांझे के मुतलक पढ़ते हो किस्सा हीर रांझा, तो उहदे विच जदों इश्क विच नाकामी हुंदी है, जदों हीर सियालन जिहड़ी है विआही जाती है, तो वह नाथपंथियों के डेरे पर ही टिल्ला जोगियों के उत्ते जाता है, और 7 दिन उत्थे बैठा रहिंदा है। उन्हें कोई घा नहीं पाँदा, उन्होंने कोई भी उसकी गल सुनने तैयार नहीं हुंदा। अखीर वह अपनी मैं मारदा और जोगी फिर वो कन्न फाड़ के तो कन्नां विच मुंदरियां पाते हैं, जिदे विच साढ़े अताउल्ला ऐसा खेलवी साहब का मैं अक्सर जिक्र करना वा कि उन्हों का गाना सी कि खेड़े हीर नूं विआह के जदों लै गए तो रांझे कन्नी पाइया मुंदर, तो रांझे कन्नी जिहड़ियां मुंदर पाइया सन वो किन्हां कोलों पाइया सन, जोगियों कोलों पाइया सन, भैरव नाथ के जिहड़े अगे चेले सी उन्हां कोलों, उन्होंने उस वेले जिहड़ियां सी मुंदर कन्नां दे विच पाइया सी। वैसे तो जिहड़े पहले नाथ होए ने उन्होंने शिव शंकर भोलेनाथ जिहड़े ने पहले, उन्होंने मनिया गया पहला जोगी। उस तो बाद माँ अंबे गोरी जिहड़ी है उन्होंने भी जोग पंथ की माता मनिया गया है। फिर उस तो बाद भैरवनाथ जी ने, फिर उस तो बाद सिद्धनाथ ने, फिर उस तो बाद मछिंदनाथ ने, इस तरह करके पूरी एक चेन है जिहदे विच नौ नाथां दे विच बाबा गुरु नानक साहिब का भी नाम है, जिहदा कि बाबा गुरु नानक साहब नरनकारी के नाम तो वो जानते हैं। ठीक है जी, टिल्ला जोगियों के उत्ते बकायदा एक टाइल लगी, वो नौ नाथां दे पूरे स्थानां दे नाम लिखे हुए ने। किस्सा मुख्तसर है कि भी तुहानूं अज जिहड़ी जगह पर लैके आए उहदे नाल रिलेटिड जिहड़ी स्टोरी है पूरी उहदे मतलब तुहानूं पहले जानकारी देनी जरूरी है। फिर जिथे भी नाथपंथी या जिथे जोगी बैठते सी, सन्यासी बैठते सन, उत्थे मेडिसिनल प्लांट है, तुसीं देखो इत्थों शुरू हो जाते हैं मेडिसिनल प्लांट। बेकड़ लगा होया, लंटैना कमेरा लग्या होया, फिर उस तो बाद इत्थे तुलसी लगी हुई है, तुलसी तो बाद इत्थे मिंट की खास किस्म है वह लगी हुई है। थोड़ा जिहा अगे जाओ तो कड़ी पत्ता, मैं पंजाब दे विच साउथ इंडियन ट्रडिशन है जी कड़ी पत्ते का, कड़ी पत्ता इत्थे जा बछा इन्नियां झाड़ियां लगिया हुई ने, दैट्स अमेजिंग, क्योंकि कड़ी पत्ता जिहड़ा वो सेंटर पंजाब की कोई जड़ी बूटी नहीं है, ना ही खाने पकाने दे विच वो काम आता है। ये सारिया चीज़ा जिहड़ियां ने ज़्यादातर जिहड़ियां सन वो हिमालिया दियाँ, तो इधरों अगर तुसीं देखा जाए तो टिल्ला जोगियों के उत्तों लैके आते सी। यह वड्डा स्थान जिहड़ा तुहानूं पिछे नज़र आ रहा है, यह है जी वड्डा कह लवो कि डेरा कह लवो नाथपंथियों का डेरा, और ये पिछे शिव शंकर भोलेनाथ का जिहड़ा महादेव का जिहड़ा टैंपल है, और उस तो बाद वह तुहानूं सामने जिहड़ा नज़र आ रहा छोटा टैंपल जिहड़ा वो टैंपल जिहड़ा वै वह भैरव नाथ जी का टैंपल है। लेकिन ये अंदर जाओ तो पता चलता कि त्रिमूर्ति मंदिर है। अज असी घट्टो घट 3 घंटे देते रिसर्च की है, 3 घंटे के बाद पता चलिया कि यह मुगल पीरियड तो भी पहले का पुराना मंदिर है। यदि बिल्कुल शेप उही है जी कि तुसी देखते हो कटास राज, कटास राज जिहड़े पांच पांडुआ भरावान ने एक पूरा कॉम्पलैक्स खड़ा किया
नॉर्थ वेस्ट पंजाब दे विच सेम बिल्कुल उस ही तर्ज का टैंपल है और इतने का जो चौका है इतने की जी इट है वह साइज़ बिल्कुल बहुत छोटा है, 4 इंची चौका, 3 इंच चौड़ा, 4 इंच लंबा और मिट्टी की चिनाई है। क्या बात है, मिट्टी की चिनाई करके और उदों बाद जो लॉक किया गया, क्योंकि मैं आर्कीटेक्चर के बहुत दिलचस्पी लैंना वा, जदों तक तुहानू आर्कीटेक्चर की समझ नहीं आती तुसीं ईरा नहीं काउंट कर सकते। तो यह सारा उपराला तुसीं देख रहे हो रेडियो साढ़े वाला की तरफ, रेडियो साढ़े वाला 87.8 FM ऑकलैंड न्यूजीलैंड तो तुसीं यह प्रोग्राम देख रहे हो और ऑल राइट्स आर रिजर्व बाय रेडियो साढ़े वाला 87.8 FM ऑकलैंड और दूसरे राइट्स रिजर्व ने जी शाहिद शबीर ऑफिशियल तो। So no one have to right to use this video without of our permission or our if you want to use then if you want to share then you should be use our real link of our YouTube or our Facebook page Radio Sadiala. To eh aap sigge chalde ha ji aur tuhanu ja ke fir hun intezar diyan ghadiyan tuhadiyan khatam karne ha te hamesha hi Radio Sadiala aise uprale leke aunda hai jehde ke koi vi nahi karda is sunate de vich इस बीड़िया की छाएं छाएं दे किन्ना सुकून होएगा उस दौर दे विच, किन्ना सोहना किन्ना घना जंगल होएगा उस वेले जदों के संगतां इत्थे जुड़दियां होणगियां, मेले इत्थे लगदे होणगे और कट्ठियां होंदियां होणगियां। अज उही महान अस्थान एडा वड्डा अस्थान जिहड़ा जोगपंथी का वह बिल्कुल वीरान पिया होया और हिस्टोरिकल है और इहदी इन्नी इन्नी सोहनी मैं कहांगा कि अंदर तुहानूं असीं चल के दिखाने हां, क्योंकि मैं तां पूरा पहले सर्वे कीता फिर उस तो बाद ही तुहानूं मैं लैके आया। एक ओम भी बनिया होया, फिर उस तो बाद एक छोटा जिहा पहली बारी मैनूं भैरवनाथ जी का पेंटिंग भी इत्थे मिली है, फिर ठीक है उस तो बाद हल्के हल्के फुल बूटे भी नज़र आते हैं और बहुत छोटे छोटे गुफा टाइप जिहड़े ने सिटिंग प्लेसिस भी ने। तो फिर तुहानूं वेट नहीं कराउंदे, चलते हैं तो चल के असीं तुहानूं दिखाने मंदिर जी जी। असी बिल्कुल भैरवनाथ का जोड़ा टैंपल है वो बिल्कुल नज़दीक पहुँच गए हैं और नाथपंथी जोड़े ने उन्होंने तिरी मूर्ति के मंदिर होंगे सी, ठीक है जी, कह लो कि ब्रह्मा विष्णु और शिवा तीन मूर्ति स्थान होंगे सन और इतने भी तीन मूर्ति स्थान की बिल्कुल जगह बनी हुई है। आओ चलते हैं असी तुहानू अगे लैके दिखाने हैं। यह है जी वो मंदिर जिहड़ा कि भैरवनाथ जी दे नाल जिहड़ा मनसूब है। जी असी एवें देखे बिना इहनू तिरी मूर्ति मंदिर नहीं कह रहे, तीन मूर्ति स्थान लैफ्ट राइट वो सेंटर दे विच इक है, यानी कि पहला जिहड़ा स्थान हुंदा हमेशा ओह किहदा हुंदा, ओह महादेव दा हुंदा, दूसरा किहड़ा हुंदा विष्णु जी दा हुंदा, तीसरा किहदा हुंदा ब्रह्मा जी दा हुंदा। तो इहदा मतलब है कि थ्री गॉड्स वर्शिप, जिन्ने भी पुराने एंशियंट टैंपल्स ने मैं तुहानूं दिखाए ने वो तिरी मूर्ति मंदिर हुंदे ने। तो इत्थे जोत जगाउण वास्ते देखो तुसीं बहुत ही प्यारी जगह बनी हुई सी जिहड़ी कि ऑलमोस्ट खत्म हो गई है और कॉन्सट्रक्शन यदि बहुत ही अमेजिंग है। तीन चीज़ों के सामने आदियां ने, आउटर वॉल्स की फिनिशिंग जिहड़ी है कच चूना गेरी, ठीक है जी, और अंदर की जिहड़ी सारी चिनाई है मिट्टी की है, प्योरली मड है, मिट्टी है। इहदा मतलब है कि जिहड़े टैंपल्स बने ने, जिहड़े टैंपल्स बने ने मुगल पीरियड दे विच वह तो प्रॉपर बने कच चूना गेरी दे नाल। इहदा मतलब है कि जिहड़ा एंशियंट चौका है मुगल पीरियड तो भी पहले वह जगह जिहड़ियां ने वह इत्थे मौजूद ने और उही ब्रिक जिहड़ी यूज़ की गई है तकरीबन 1 इंच मोटी और कोई 4 इंच तो 5 इंच चौड़ी और 3 इंच जिहड़ी है उहदी लंबाई जिहड़ी है उहदी 4 इंच तो 5 इंच है और चौड़ाई जिहड़ी है उहदी वह 3 इंच तो 4 इंच है। अमेजिंग मैं कहांगा कि नॉर्थ वेस्ट तो बाद पहली बार मैं डोम गोल देख रहा हूँ टैंपल का और उस तो बाद प्योरली नाथपंथियों का स्थान है। और जिस तरह कि मैं तुहानू कहा सी कि हर्ब्स का यूज़ जिहड़ा है वो इत्थे कीता जांदा, थोड़ा जिहा मैंथोल नज़र आया मैनू, थोड़ी जिनी मैनू तुलसी नज़र आई है, थोड़ा जिहा कड़ी पत्ता नज़र आया। चलते हैं तुहानू ते उहदी आइडेंटिफिकेशन करवाने हैं।
ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੜੀ ਪੱਤੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਕੜੀ ਪੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰੀ ਫੀਲਡ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਫਲੋਰੀਕਲਚਰ ਹੈ, ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਹਰਬੀਸਾਈਡਸ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁੰਘਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਆਹ ਕੜੀ ਪੱਤਾ ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਕੁਕਿੰਗ, ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਲਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮਾਰੋ, ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਲ ਫੇਰ ਦਿਖਾਓ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਬੈਰੋਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਟੈਂਪਲ, ਬੈਰੋਨਾਥ ਟੈਂਪਲ ਨਗਿਆਲ ਨੀਅਰ ਦਰਮਾਨ, ਬੈਰੋਨਾਥ ਜੰਗਲ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾਂ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬੰਦ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਰਫੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੈਟਸ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਾਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ, ਮੰਦਿਰ ਬੈਰੋਨਾਥ ਵਿਲੇਜ ਨਗਿਆਲ, ਔਰ ਫੋਰੈਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੈਰੋਨਾਥ ਫੋਰੈਸਟ। ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੋਰੈਸਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਜੰਮੂ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਵਿਊ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰੰਟ ਥਾਣੀ ਜਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।